बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं हूँ राना बदर और आप देख रहे हैं कार को। तो आज इस गाड़ी का रिव्यू मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, वो हैवल जूलियन है, जो आपको मेरी बैकग्राउंड पे नज़र भी आ रही होगी, देख सकते हैं। आज इसके जो कि फ्रंट लुक, इसकी बैक लुक, इसके जितने फीचर हैं, इसकी प्राइस सब आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, पहले वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलिएगा। तो जहाँ तक गाड़ी के फ्रंट लुक की बात है, गाड़ी के फ्रंट लुक आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और गाड़ी के अगर फ्रंट लुक की तरफ देख लें तो सबसे ऊपर आपको जो कि रडार का ऑप्शन मिल जाता है, उसके अलावा अगर गाड़ी के बोनेट की तरफ देख लें तो इसके अंदर फिनिशिंग देख सकते हैं। और ये आपको जो छोटा सा डिज़ाइन मिलता है, ये शायद आप कैमरे में नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहा, मगर जो ये गाड़ी के फ्रंट लुक के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा कर रहा है। उसके अलावा अगर गाड़ी की फ्रंट लुक की तरफ देखें और फ्रंट जो कि ग्रिल की बात करें अगर, तो गाड़ी के फ्रंट ग्रिल के अंदर आपको देखें पूरा पूरा जितना भी ये पार्ट है ये आपको क्रोम के अंदर मिल जाता है। इसके अंदर जो कि हैवल लिखा हुआ है ये भी आपको क्रोम के अंदर मिल जाता है। उसके अलावा अगर आपको देखें फ्रंट लुक के अंदर, ये देखें आपको यहाँ पर जो कि इसका फ्रंट का कैमरा मिल जाता है। उसके अलावा अगर इसकी हेडलाइट्स की बात कर लें तो हेडलाइट्स में आप देख सकते हैं जो कि ये वाला पार्ट है आपको, ये सारा आपको इसका DRL का मिल जाता है। उसके अलावा पैटर्न में आपको LED के अंदर इसके जो के प्रोजेक्टर लैंप्स मिल जाते हैं जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी के यूज़ किए गए हैं। उसके अलावा इंडिकेटर भी आपको LED के अंदर मिल जाते हैं। ओवरऑल अगर गाड़ी के फ्रंट लुक की तरफ देख लिया जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि आप गाड़ी को पीछे से देखना पसंद करेंगे। गाड़ी के फ्रंट लुक ही माशाल्लाह इतनी प्यारी है कि पीछे जाना तो फिर थोड़ा टाइम लगेगा। उसके अलावा गाड़ी के अगर फ्रंट का जो डिफ्यूज़र बम्पर है ये देख सकते हैं, ये आपको जो कि पैनो ब्लैक के अंदर यूज़ किया हुआ मिल जाता है। तो ओवरऑल गाड़ी के अगर फ्रंट लुक की तरफ देख लिया जाए इसके अंदर क्रोम और पैनो ब्लैक का बहुत यूज़ किया गया, तो जिसकी वजह से गाड़ी के जो कि फ्रंट लुक में बहुत ज़्यादा इजाफा पैदा हो रहा है। तो जहाँ तक गाड़ी की साइड प्रोफाइल की बात कर रहे थे, गाड़ी की साइड प्रोफाइल आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। उसके अलावा गाड़ी के अंदर जो कि सबसे अगर हम पहले टायर्स की बात कर लीजिए तो यहाँ पे आपको 255, 55, 18 के जो कि आपको टायर मिल जाते हैं विद अलॉय व्हील। तो अलॉय व्हील इसमें आपको जो कि 2-टोन में मिलते हैं, ब्लैक और जो कि सिल्वर कलर में। उसके अलावा गाड़ी के हम फ्रंट डोर की तरफ आ जाएँ तो फ्रंट डोर की तरफ आप देख सकते हैं जो कि इसका बैक व्यू मिरर है, ये आपको बॉडी टोन में मिल जाता है और जो कि LED इसके अंदर ही माउंट है। उसके अलावा जो कि साइड से कोलिजन के लिए वो भी आपको इसके अंदर नोटिफिकेशन मिल जाता है, इसकी जो कि साइड व्यू मिरर है। उसके अलावा गाड़ी के फ्रंट डोर की तरफ देख लीजिए, यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री मिल जाती है। उसके अलावा गाड़ी के जो कि साइड प्रोफाइल के अंदर हम ये देखें जो कि क्रोम के जो कि स्ट्रिप यूज़ की गई है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है गाड़ी की, जो कि लुक को बहुत ही ज़्यादा प्यारा बना रही है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें, ये भी आप देख सकते हैं, ये आपको क्रोम के अंदर मिल जाती है हैवल जूलियन के अंदर। उसके अलावा अगर इसके ऊपर रूफ़ की तरफ जाएँ तो ये देख सकते हैं आपको जो रूफ रेल है ये आपको सिल्वर में मिल जाते हैं। ओवरऑल अगर गाड़ी की साइड प्रोफाइल की बात करी जाए तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और मैं एक और चीज़ बता दूँ, ये देखें अगर जो कि यहाँ पे जो कि क्रोम की स्ट्रिप यूज़ की है, यहाँ पे हैवल लिखा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर खूबसूरती पैदा कर रहा है। अब मुझे नहीं पता कि कैमरे में नज़र आ रहा है नहीं, बहरहाल जो कि इसकी साइड प्रोफाइल है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है। ये बैक लुक की बात है, गाड़ी की बैक लुक आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको साइड से होकर दिखा दूँ तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, ये देख सकते हैं। उसके अलावा सॉरी, अगर आप सबसे ऊपर देखें तो यहाँ पे आपको जो कि शार्क फिन एंटीना मिल जाता है जो कि मोस्टली अब जितनी भी गाड़ियाँ आ रही है सब के अंदर आपको मिल जाता है। उसके अलावा अगर आप इसके बैक साइड पे ऊपर की तरफ देखें, यहाँ पे आपको जो कि स्पॉयलर का ऑप्शन मिल जाता है, साथ इसके अंदर जो कि हाई माउंटेन लाइट जो कि आपको बीच में LED के अंदर यूज़ की मिल जाती है। उसके अलावा आपको बैक स्क्रीन के यहाँ पे वाइपर मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर देखें आपको हैवल का जो कि निशान है, सॉरी हैवल का लोगो है, वो आपको लगा बहुत खूबसूरत लगता है। तो उसके अलावा अगर यहाँ पे देखें आपको जूलियन और वहाँ पर जो कि GWM का जो कि लोगो मिल जाता है। उसके अलावा अगर हम गाड़ी की बात कर लें, इसके जो कि रेयर का डिफ्यूज़र बम्पर है उसके अंदर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी क्रोम की जो कि स्ट्रिप्स यूज़ की गई हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो कि इसके रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। ओवरऑल अगर इसके बैक साइड पे देख लें तो यहाँ पे आपको जो कि इसके पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। ओवरऑल अगर गाड़ी की बैक प्रोफाइल की भी बात कर लीजिए तो बहुत ज़बरदस्त है। बड़े अरसे से मैं इस गाड़ी को ढूंढ रहा था तो आज मैंने इस गाड़ी को ढूंढ लिया है, तो मैंने कहा इसका रिव्यू भी बनाया जाए, क्योंकि मैं जब एक मतलब मरी की तरफ गया था तो मतलब इसकी जो कि बैक लाइट्स का डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। तो बैक लाइट्स के बारे में मैं आपको बता दूँ तो ये देख सकते हैं, ये जो पार्ट है ये आपको जो कि इसका पार्किंग लाइट का मिल जाता है पोर्शन, ये इसका जो कि बैक लाइट्स का, ये इंडिकेटर के, और ये आपको रिवर्स की जो कि लाइट्स मिल जाती हैं। तो ओवरऑल अगर गाड़ी की लाइट्स की, क्योंकि मैंने रात को ही चलते हुए गाड़ी देखी थी तो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, मतलब ये पास से जाती थी, हम इसके पीछे लगा दिए, हमने कहा यार ये पता नहीं कौन सी नई मखलूक है ये, मगर आज मैंने इसको पकड़ लिया, आज ये भाग नहीं सकती, तो इसका आज हमने रिव्यू भी किया, मगर आगे जो कि इसके मज़ीद फीचर हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तक हैवल जूलियन के बूट स्पेस की बात करें तो आपको इसकी बूट भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको जो कि इसका बटन मिल जाता है, ये देखें, और ये देखते हैं यहाँ पे आपको जो कि बूट सेपरेटर का ऑप्शन मिल जाता है। उसके अलावा अगर इसके बूट की स्पेस देख लें तो बहुत ज़्यादा स्पेस है इसके अंदर, जो कि बूट के अंदर अगर इसको आप मज़ीद बढ़ाना चाहें तो आप स्पेसर को अलग हटा के इसकी सीट को आगे फोल्ड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो कि आपको एक स्पेयर व्हील मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको जैक, यहाँ पर ट्राइंगल किट, और इसके अंदर जो छोटे मोटे जो कि इसके साथ सामान आ जाता है वो आपको इसके अंदर मिल जाता है। ओवरऑल अगर इसके बूट स्पेस की बात करी जाए तो बहुत ज़बरदस्त है। उसके अलावा ये थी इसकी बूट की बारी, इसके अंदर आपको एंट्री एग्जिट का भी दिखा देता हूँ। उसके अलावा इसके फीचर बस सब दिखाता हूँ।
गाड़ी के अंदर एंट्री और एग्जिट की बात है, गाड़ी के अंदर एंट्री भी देख लेते हैं, और क्योंकि गाड़ी वैसे देखने में तो बहुत खूबसूरत है। ये देखें, अगर सबसे पहले अगर मैं इसकी सीट्स के बारे में बात कर लूँ तो सीट्स के अंदर आप देख सकते हैं इसकी सीट्स की क्वालिटी जो कि बहुत ज़बरदस्त चूज़ की गई है इसके अंदर। मतलब टू टोन के अंदर पूरी गाड़ी के अंदर जो कि यूज़ किया गया है, एक इसके अंदर ब्राउन और ब्लैक का यूज़ किया गया बहुत ज़्यादा। इसके अलावा अगर सीट की बात करें, सीट के अंदर जो कंफर्टेबल है, इसकी सीट्स जो हैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। आप देख सकते हैं बैठते साथ ही जो कि बंदा एक रिलैक्स होकर बैठ जाता है। और उसके अलावा अगर इसके हेडरूम की बात करें वो भी आपको बहुत ज़्यादा मिल जाता है, और उसके अलावा लेग रूम की बात करें तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती हैं। और इसके अलावा हम इसके जो कि रेयर कैबिन है उसकी बात कर लेते हैं। फ्रंट कैबिन में तो आपने इंटीरियर एग्जिट देख ली है, उसके अलावा इसके अगर रेयर कैबिन के अंदर देख लें तो ये देख सकते हैं रेयर कैबिन के अंदर भी काफ़ी इजीली जो कि एंट्री है। तो ये देख सकते हैं इसके अंदर जो कि लेग रूम है वो भी बहुत ज़्यादा, हेड रूम तो जाहिर सी बात है इसके पीछे तो वैसे ज़्यादा होगा। उसके अलावा इसके जो कि फ्लोर जो कि नीचे से फर्श है उसको फ्लैट है, इसको देख के आप देख सकते हैं इजीली जो जितने भी लोग बैठना चाहें इजीली बैठ सकते हैं। और आपको जो कि इसके अंदर डुअल एसी का भी ऑप्शन मिल जाता है, इसके जो कि पीछे वाले पैसेंजर हैं उनके लिए भी आपको ऑप्शन मिलता है जो कि बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। तो जहाँ तक गाड़ी के इंटीरियर की बात है, गाड़ी का इंटीरियर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। गाड़ी का इंटीरियर आपको जो कि टू टोन के अंदर मिल जाता है, इसके अंदर ब्राउन का मिल जाता है और ब्लैक में मिल जाता है। उसके अलावा कहेंगे जो कि इसके सिल्वर के जो कि स्ट्रिप्स यूज़ किए गए, जिस तरह के डैशबोर्ड हो गया, उसके अलावा इसके डोर्स हो गए उसके अंदर यूज़ किया गया। तो सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ से स्टार्ट कर दूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो कि एक एयरविंड आपको यहाँ मिल जाती है दो दरमियान में, और एक आपको पैसेंजर साइड पर एयरविंड मिल जाती है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो नीचे यहाँ पर आपको जो कि ट्रैक्शन कंट्रोल के, हिल डाउन के, उसके अलावा इसकी जो कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसकी ब्राइटनेस के, ये सारे आपको ऑप्शन आपको यहाँ पे राइट साइड पे मिल जाते हैं। ओवरऑल अगर इसके स्टेयरिंग की बात कर लीजिए तो थ्री स्पोक आपको स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है, यहाँ पे आपको जो कि हैवल का लोगो मिल जाता है। तो इस गाड़ी के अंदर जिस तरह के टोटल छः एयरबैग यूज़ किए गए हैं। उसके अलावा अगर गाड़ी के हम डैशबोर्ड की बात कर लें तो ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो कि टोटल जो कि रैगजीन का पोर्शन मिल जाएगा, यहाँ पे टोटली जितनी भी यूज़ की गई है इसके ज़्यादातर दरवाज़ों में, इसके अलावा इसके डैशबोर्ड के अंदर, और ये ज़्यादातर आपको रैगजीन मिलेगी। और उसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे आपको जो कि इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अलावा आपको यहाँ पे एक मिल जाता है इंफोटेनमेंट सिस्टम का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पर देखें बड़े ईजी टू एक्सेसिबल है ये आप देख सकते हैं। तो मतलब आप इसके जो कि बटन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ये इसके क्लाइमेट कंट्रोल के हो गए, इसके जो कि डिफोगर के जो कि बटन हो गए वो आपको यहीं पे मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ नीचे देखें तो यहाँ पे आपको जो कि हैजर्ड लाइट का बटन मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ आप इसकी जो कि गियर नॉब देख सकते हैं, अब तक की जितनी भी गाड़ी हैं उन सबसे चेंज इसकी गियर नॉब है, क्योंकि अब तक की जितनी भी गाड़ी हैं उन सब के साथ जो कि गियर नॉब और तरीके थी, मगर इसके अंदर आप ये देख सकते हैं आप इसको मतलब राइट तरफ टर्न कर लें, लेफ्ट टर्न करके तो इसके जो कि गियर जो कि चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग का बटन मिल जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कार्ड वगैरह या मोबाइल वगैरह रखने के लिए थोड़ी स्पेस मिल जाती है, यहाँ पे आपको जो कि वायरलेस चार्जर मिल जाता है। उसके अलावा अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे आपको जो कि कप होल्डर मिल जाता है। उसके अलावा गाड़ी के अगर आर्मरेस्ट की बात कर लें तो आर्मरेस्ट का साइज़ भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बड़ा है, और उसके अलावा इसके अंदर जो स्पेस है वो भी आपको बहुत ज़्यादा मिल जाती है। इसके अलावा अगर इसके ग्लव्स बॉक्स की बात कर लें तो ग्लव्स बॉक्स में आप देख सकते हैं आपको स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। इसके अलावा अगर ओवरऑल इसके जो कि ऊपर की बात कर लें, यहाँ के देख सकते हैं आपको जो कि सन शेड है, इसके अंदर आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, और यहाँ पे आपको जो कि लाइट्स मिल जाती हैं, यहाँ पे भी आपको मिल जाता है और यहाँ पे भी आपको जो कि लाइट्स मिल जाती हैं वैनिटी मिरर के अंदर। उसके अलावा अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको जो कि ग्लासेस होल्डर मिल जाते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि फ्रंट कैबिन की लाइट्स मिल जाती हैं। लाइट्स की क्वालिटी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, जो कि मुझे तो पर्सनली पूछें तो बहुत ज़्यादा पसंद आई है। उसके अलावा गाड़ी के जो कि स्टीयरिंग व्हील के अंदर देख लें, यहाँ पे आपको जो कि राइट साइड पे आपको क्रूज़ कंट्रोल के ऑप्शन मिल जाते हैं, लेफ्ट साइड पे आपको जो कि इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। जहाँ तक गाड़ी के अंदर सनरूफ की बात कर लेते हैं तो हैवल के अंदर आपको जो कि पैनारोमिक सनरूफ मिल जाता है। तो ये गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, देख सकते हैं आपको टोटी जो कि आपको डिटेल के अंदर मिल जाता है। ये देख सकते हैं आपको ये भी बता रहा है कि गाड़ी की जो कि ट्रंक ओपन है। उसके अलावा गाड़ी के जो कि गियर सिस्टम है ये देख सकते हैं आप, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि गाड़ी कौन से गियर में एंगेज है किस टाइम, और यहाँ से अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो ये जो कि पार्किंग मोड में चला जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो कि ऑटो मैनुअल दोनों मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको जो कि स्टीयरिंग के अंदर गियर शिफ्टर का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो जहाँ तक गाड़ी के मोड्स की बात है, फिलहाल जो कि नॉर्मल मोड में चल रही है, इसके जो कि मोड्स आपको चेंज करने पड़ेंगे वो आपको यहाँ से देखें, आप यहाँ से होम स्क्रीन में जाएँगे। उसके अलावा यहाँ पे आप जो कि व्हीकल सेटिंग में, तो यहाँ पे आपको जो कि ड्राइविंग सेटिंग के मोड्स मिलेंगे। यहाँ पे फिलहाल नॉर्मल मोड है, आप देख सकते हैं नॉर्मल मोड के अंदर इसका थीम चेंज है, और अगर इसको स्पोर्ट्स मोड के अंदर लाएंगे तो स्पोर्ट्स मोड के अंदर थीम चेंज हो जाएगा। उसके अलावा अगर इकॉनमी मोड में लेके आएंगे तो उसके अलावा थीम चेंज है, और ये जैसे स्नो फील्ड के अंदर जो कि बर्फबारी वाले इलाके के अंदर इसका जो कि मोड चेंज होता है। यहाँ तक गाड़ी के अंदर एयरबैग्स की बात है, जो कि गाड़ी के अंदर आपको छः एयरबैग्स मिलते हैं, एक आपको स्टीयरिंग व्हील में मिल जाता है, एक फ्रंट पैसेंजर की तरफ, और दो आपको जो कि ये पिछले रेयर पिलर हैं मिडिल वाले, और उसके अलावा दो जो के आपको सेकंड पिलर में मिल जाते हैं।
जो कि गाड़ी है, आप ये देख लें कि आपकी गाड़ी फुल प्रूफ है। अगर अल्लाह ने ना चाही हुई तो अल्लाह ने ज़िंदगी लंबी लिखी हुई, तो मेरा नहीं ख्याल कि गाड़ी के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप किसी भी मतलब हादसे का शिकार हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी के अंदर जितने भी मेरे ख्याल में एयर बैग्स हैं, तो गाड़ी आपकी पूरी कवर है। तो इस हवाले से, अगर सेफ्टी के हवाले से बात करें, तो इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त, इसके अंदर 6 एयर बैग्स दिए गए हैं। तोबा मेरी तोबा, बस कर दे भाई, बंद कर दे। तो जहाँ तक गाड़ी के डोर्स की बात कर रहे थे, ये देख सकते हैं आपको यहाँ पे जो कि लॉक अनलॉक का बटन आपको यहाँ मिल जाता है, आपको क्रोम के अंदर आपको यहाँ पे डोर हैंडल मिल जाते हैं। ओवरऑल अगर आप इसके जो कि डोर की थीम देख सकते हैं, वो भी आपको टोटॉन के अंदर मिलती है। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पे आपको रेगजिन यूज़ की हुई मिल जाती है, ये देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया गया। इसके अलावा यहाँ पे जो कि आपको ट्विटर मिल जाते हैं फ्रंट दोनों डोर के अंदर। उसके अलावा ये देख सकते हैं आपको जो कि यहाँ पे आपको दिखाऊँ जो कि इसके साइड व्यू मिरर हैं, इसके कंट्रोल मिल जाते हैं सारे, ये विंडोज़ के, और ये विंडो लॉक और अनलॉक का बटन मिल जाता है। ये डोर्स का आपको लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है। उसके अलावा अगर नीचे देखें आपको यहाँ पे जो कि इसके स्पीकर मिल जाते हैं, ये आपको हैवल के मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको बॉटल होल्डर, और यहाँ पर थोड़ी सी आपको स्पेस मिल जाती है कुछ छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए। तो ये था हैवल जूलियन का रिव्यू, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। जो कि गाड़ी की प्राइस है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। अगर आप गाड़ी बाय करना चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करके गाड़ी बाय कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि गाड़ी ज़्यादा देर रुकती है, क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत कम रुकती हैं। अगर फिर भी आप पहले बाय करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर से इनसे कॉन्टैक्ट कर लें, अपनी बुकिंग भी करवा सकते हैं।